भूकंप के तेज झटकों से कांपा ताइवान, रात भर में लगे 80 से ज्यादा झटके। अभिषेक बनर्जी के घर की रैकी के मामले में शख्स गिरफ्तार, ममता बनर्जी ने किया था सुरक्षित नहीं होने का दावा। मोदी सरकार का एक और कमाल, उच्च शिक्षा में G20 देशों के बीच भारत की उछाल। चित्तौड़गढ़ राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी कड़े मुकाबले में फंसे, दूसरी सीटों पर प्रचार के लिए भी नहीं जा पा रहे। भाजपा प्रत्याशियों को हर क्षेत्र में घेरेगी कांग्रेस, उदित राज के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश। इनेलो की लिस्ट जारी, 3 प्रत्याशी मैदान में, करनाल से कांग्रेस के इस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान। अखिलेश यादव का दावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कमजोर स्थिति है भाजपा। चुनाव से पहले डह रहा कांग्रेस का कुनवा, शैलजा चंद्राकर समेत कई नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। कानपुर में रैली से लौटे युवकों ने की भड़काऊ नारेबाजी, पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया, फिर आया बुलडोजर। केजरीवाल के लिए राहत तो मांगना पड़ गया भारी, कोर्ट ने लगा दिया 75,000 का जुर्माना। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।